और गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो। सो गाइस अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको काइन मास्टर ऐप की जरूरत पड़ेगी। और आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके सैटल बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, नाम है आसिफ टेक। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपको इस प्रकार से काइन मास्टर में आ जाना है, फिर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से 1:1 का साइज सिलेक्ट करना है, और यहाँ सेटिंग में जाना है और एडिटिंग में जाना है, और यहाँ से फिल स्क्रीन करके डन कर देना है। फिर आपको मीडियम जाना है, जितना इमेज है आपके पास उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास 3 से 4, 5 जितना भी इमेज मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो मैं आपको बताने के लिए, तो मैंने यहाँ पर एड कर लिया है। तो गाइस अब आपको करना है लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको ये वाला जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है उसको यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहाँ तक ये क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अपनी इमेज का लेंथ, जो पहला इमेज है उसका लेंथ आप यहीं पे रखोगे। ओके गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और दूसरा इमेज जहाँ तक मिर्ची है हमारा लिखा हुआ वहीं तक रखेंगे। इस प्रकार से आप देख लेना, इस प्रकार से आप लेंथ रखना। ओके फिर आपको इसमें ट्रांजिशन ऐड कर लेना है, कोई सा भी आप ऐड कर सकते हो, मैं कहूँगा ये वाला ऐड करना बहुत ही अच्छा है, और इसमें मैं ट्रांजिशन ऐड कर लेता हूँ। तो आपको ये वाला ट्रांजिशन ऐड करना है, तो आप देख लेना सही से आपका इमेज चेंज हुआ या नहीं। तो फिर इसका क्रोमा की में जाना है, उसको यहाँ से इनेबल कर देना है, सॉरी गाइस, तो यहाँ से इसको इनेबल करना है, और उसका की कलर सेलेक्ट करना है आपको ग्रीन। इस प्रकार से हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसका जो लेंथ सारा, सॉरी गाइस पहले इसमें एक ट्रांजिशन ऐड करना है, जो ये वाला ट्रांजिशन है ग्रेविटी वेल, आप गेट मोड जैसे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा वो। तो आपको इसको ऐड करना है और स्पीड कम से कम 0.5 रखना है। तो अपने सारे ट्रांजिशन में इसको ऐड कर लेना है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ, इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, आप ज़्यादा इमेज को सिलेक्ट करना, तो मैंने कम इमेज का सिलेक्ट किया था बस आपको बताने के लिए। फिर इसका लेंथ जो है पूरा घटा देना है इस प्रकार से। ओके गाइस तो आप पूरा घटा देना, अगर आपके पास कोई और इमेज है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको ये वाला इफेक्ट को ऐड करना है जो एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो। ऐड करने के बाद इस प्रकार साइज बढ़ा देना है, इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जाना है, उसको यहाँ से स्क्रीन करके 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है। फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, और मीडिया पर क्लिक करना है, और आपको ये वाला लाइट इफेक्ट को ऐड करना है। तो गाइस मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ये वाला लाइट इफेक्ट ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है, इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जाना है, उसको यहाँ से स्क्रीन कर देना है, और 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। सो गाइस फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और से फिर से आपको ये स्मोक इफेक्ट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद, सो गाइस ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, और इस प्रकार से इसको इस साइड लेकर आ जाना है, वरना ये बीच में देगा तो आपका जो इमेज बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई देगा। फिर इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जाना है, उसको यहाँ से स्क्रीन करना है, और यहाँ से कलर एडजस्टमेंट जाना है, इसका ब्राइटनेस घटा देना है, और इसका जो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देना है, ताकि ये स्मोक कम कम दिखाई दे, वरना इतना ज़्यादा दिखाई देता है गाइस कि समझ में ही नहीं आएगा आपका इमेज कहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है। सो गाइस फाइनली हमारा वीडियो जो बनकर तैयार हो चुकी है, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस पूरा वीडियो दिखाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, सॉरी गाइस। फिर आपको शेयर आइकन पर क्लिक करना है, और अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस यही आज का वीडियो, होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करके सैटल और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो गाइस मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम।